और 2024 में जो है इंशाअल्लाह ताला MIM जो है ना बराबर की टक्कर पे मैदान में रहेगी। और अब के 24 में हम ओवैसी वाले अपना हिस्सा पूरा लेंगे, जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। बैरिस्टर वो इंसान है, वो यहाँ नहीं इंडिया, पूरी दुनिया में उनका नाम है, अल्लाह ने उन्हें उसके नाम के साथ नवाजा है। वो बी टीम हो सकता है, उसे खरीदने वाला हिंदुस्तान में पैदा ही नहीं कोई आया। हम अकेला बहुत मजबूती के साथ इंशाल्लाह चुनाव लड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं, हमारे साथ तो सभी समाज के लोग हैं, दलित भी है, सिख भी है, मुस्लिम भी है, सब है हमारे पास। तो प्रधानमंत्री बनेंगे वैसे साहब, प्रधानमंत्री अपनी पार्टी का हो, मुख्यमंत्री अपनी पार्टी का हो, तो हम ही जाना नहीं चाह रहे हो तो बुला रहे, मगर हम मौका देखेंगे जिस टाइम, जैसे हिसाब किताब देखेंगे जब उसके बाद गठबंधन करेंगे। अभी हमारा किसी से कोई इरादा नहीं है। 2024 को लेकर क्या कुछ तैयारियां हुई आप लोगों की? 2024 को लेकर अभी तो ये मीटिंग हमारी संगठन को लेकर थी, हमारा संगठन मजबूत है, उसकी समीक्षा हुई है और इंशाल्लाह मजबूती के साथ हम 2024 का इलेक्शन लड़ेंगे। ना किसी को जिताने की ना हराने को, हम खुद जीतने के लिए अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। हम किसी को जिताने हराने का ठेका हमारे ऊपर नहीं है, हम खुद अपने आप को मजबूत करके और इंशाल्लाह जो हम विपक्ष पार्टी हैं, जो जिन्होंने आज तक हमारा इस्तेमाल किया है, और ऐसे मानिए जैसे इलेक्शन के वक्त में हमको जो है लॉलीपॉप की तरह हमें जो है तरह तरह की बातें और हमें लुभाया जाता है। उसके बाद आपको अलायंस गठबंधन में नहीं जो है गले लगाया जा रहा है, 28 दल है उसमें, लेकिन आपको नहीं बुला रहे वो लोग? जी जी इंशाल्लाह, देखो गठबंधन वो उनकी अपनी सोच है, वो गठबंधन कहाँ, वो तो एक ठगबंधन की तरह जो है, अभी तो उनमें आपस में सहमति नहीं है, उन दलों में अभी आपस में ही अपनी सहमति नहीं है, तो कहाँ गठबंधन होगा। हम अकेला बहुत मजबूती के साथ इंशाल्लाह चुनाव लड़ेंगे। 2024 को लेकर क्या तैयारी? 2024 को लेकर अभी पहले संगठन मजबूत करेंगे, उसके बाद 2024 की पूरी तैयारी के साथ आएंगे। और जैसे आप गठबंधन की बात कर रहे हो, अभी हमारे अध्यक्ष साहब ने कहा है, विधानसभा किठोर के अध्यक्ष हैं, कि ठग गठबंधन है, ये गठबंधन है ठगबंधन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक अकेला इंसान बहुत कुछ कर सकता है, सबका खेल बिगाड़ने का मद्दा रखते हैं, हमें अपने आप को मजबूत करना है। मुसलमानों को साथ लेकर? ऐसा कुछ नहीं, हमारे साथ तो सभी समाज के लोग हैं, दलित भी है, सिख भी है, मुस्लिम भी है, सब है हमारे पास। तो किसने कहा कि मुसलमान ही मुसलमान है? इसलिए प्रोपगेंडा है कि मुसलमान है, खाली बहकाने की बात है। आप देखो हमारे साथ पंडित समाज भी जुड़ा हुआ है, दलित समाज भी जुड़ा हुआ है, जाटों समाज भी है, सिख भी है, कौन नहीं हमारे साथ में, आज भी मौजूद रहे हैं। कुछ लोग BSP छोड़ कर के आप लोगों का जो है दामन थामा है, SP छोड़ कर? बिल्कुल, सबका स्वागत है, सब आओ, जो हमारे साथ निष्पक्ष काम करना चाहते हैं, ईमानदार से काम करना चाहते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, वो आए हमारे साथ काम करें। जो संविधान को बचाना चाहता है वो मजलिस में आए, उसका स्वागत है। 2024 में आप लोग क्या सोच रहे हैं कि ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बने? बिल्कुल, हर कोई सोचता है अपनी पार्टी का मैन लीडर, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, इधर आओ, हर कोई चाहता है हमारी पार्टी का अध्यक्ष बड़े लेवल पर जाए, प्रधानमंत्री अपनी पार्टी का हो, मुख्यमंत्री अपनी पार्टी का हो, हर कोई चाहता है। हम भी सोच रहे हैं, हमारी ख्वाहिश है कि ऐसा साहब प्रधानमंत्री बनेंगे। ओवैसी साहब, ओवैसी साहब, 543 बिना। मैं मोहम्मद आसिफ सैफी हूँ, वार्ड नंबर 79 से पार्षद हूँ, मेरठ से। तो हम ही जाना नहीं चाह रहे हो तो बुला रहे, मगर हम मौका देखेंगे जिस टाइम, जैसे हिसाब किताब देखेंगे जब उसके बाद गठबंधन करेंगे। अभी हमारा किसी से कोई इरादा नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हैं ना कि बी टी में सी टी में, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ एक शेर में आपका जवाब देना चाहता हूँ कि ऐसा भी वक्त आएगा, कोनो मका ताजीम करेंगे, जो भी कहेंगे हम दीवाने अहले खिरत तस्लीम करेंगे। और अब के 24 में हम ओवैसी वाले अपना हिस्सा पूरा लेंगे, जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। और सोचा है ओवैसी के दीवानों ने, और सोचा है ओवैसी के दीवानों ने, अब कुछ भी हो हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे। और कुछ वक्त की खामोशी है, और कुछ वक्त की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त है, हमारा दौर आएगा, दौर आएगा। और 2024 में जो है इंशाअल्लाह ताला MIM जो है ना बराबर की टक्कर पे मैदान में रहेगी। और बैरिस्टर साहब ही इंशाअल्लाह उम्मीद है हमें 100% प्रधानमंत्री की दौड़ में है। लोग कह रहे हैं कि हैदराबाद से तो निकल नहीं रही है ओवैसी। क्या चीज? हैदराबाद से? हैदराबाद से? अरे हैदराबाद, आपने क्या सवाल किया भाई? हैदराबाद, मोदी मोदी गुजरात से दिल्ली आ सके हैं तो हैदराबाद उनके लिए कितने की दूर है? वे हिसाब के लिए जब है मोदी आ सकते हैं गुजरात से, तो हैदराबाद नहीं आ सकते? कहाँ रहेगा?
और हमारा जोर रहेगा कयामत तक। बैरिस्टर साहब, अब हमारी आंखें खुल गई हैं, हम किसी से कोई भी समझौता नहीं कर सकते। अब हमें हमारा हक चाहिए, हमें पढ़ाई भी चाहिए, लिखाई भी चाहिए, हर चीज चाहिए। हमें लोगों ने अब तक मांग कहाँ रहे थे, हमें सिर्फ झांका देते थे हम तुम्हारे भाई हैं, लेकिन हमारा कोई भाई नहीं है। अब हमें चाहिएगा और लिखित में ही चाहिएगा, ठीक है। अब हमें छीनना पड़ेगा अगर नहीं देंगे, हमें हक मांगना है। हमें अब तक के बेवकूफ बनाया जा रहा था, लेकिन अब हम बेवकूफ नहीं बनेंगे। 70 साल से हम दूसरों के गुलाम रहे, आजादी तो अब मिली है MIM में। हाँ, मालिक हम MIM के। अरे हम तो गुलाम थे कांग्रेस के, हम गुलाम थे आपके सपा के, हम गुलाम थे BSP के, हम गुलाम थे जो है और अधिक पार्टियों के। अरे मुल्ला कह का मुलायम था वो, मुल्ला तो हम है माशाल्लाह। ये सब ढोंगी बन के आए, हमारी सुनो, एक मिनट उठाया इन्होंने, एक मिनट यार बात को, और कुछ नहीं हुआ इन्हें। एक चीज करके बैरिस्टर वो इंसान है, वो यहाँ नहीं, इंडिया पूरी दुनिया में उनका नाम है, अल्लाह ने उन्हें उसके नाम के साथ नवाजा है। वो BTM हो सकता है, उसे खरीदने वाला हिंदुस्तान में पैदा ही नहीं कोई आया मेरे दोस्तों। इन सब ने हमारी वोट का फायदा नाजायज फायदा उठाया है, सब ढोंग बदल बदल गए हैं, टोपी ओली दाढ़ी बढ़ाई, सब ने मुसलमानों का नाजायज फायदा उठाया है। और हमें इस टाइम बैरिस्टर साहब मिले हैं जो हमारी हक और इंसाफ की आवाज बन रहे हैं इस टाइम, और कोई जिससे भी मुसलमानों के नेता थे जो भी थे, सबसे कहा कि हिजाब के मुद्दे पे बोलो, अखिलेश को आवाज नहीं आई।